Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from book page 85 and the concept of equivalent ratios. Previous lectures mein humne ratios ke bare mein padha tha और रेशियोज को कंपेयर करने के बारे में, उनके यूनिट्स के बारे में, उनके कंपैरिजन के मुख्तलिफ, उनको सिंपलेस्ट टर्म में, उनको डिफरेंट टर्म्स में. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्विवेलेंट रेशियोज. एक्विवेलेंट रेशियोज कौन से होती हैं? अ रेशियो रिमेंस अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड अनचेंज्ड, जो चेंज नहीं होती, व्हेन बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड, जब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए और आपकी रेशो चेंज ना हो, आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, या फिर आप उसको डिवाइड भी करें तो आपके पास नंबर वही रहे, तो रेशो क्या होती है? एक्विवेलेंट रेशो. ठीक है, जब आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपकी रेशो चेंज ना हो, अनचेंज रहे, तो आपकी वो रेशो क्या होगी? एक्विवेलेंट रेशो. जिस तरह से आपने रेशोज़ की डेफिनेशन याद करके अपनी नोटबुक पर लिखनी है, इसी तरह एक्विवेलेंट रेशो की डेफिनेशन भी याद करके आपने लिखनी होगी. टू रेशोज आर इक्विवेलेंट इफ़ दे गिव द सेम रिजल्ट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. टू रेशोज को आप इक्विवेलेंट रेशो तब कहेंगे जब वो सेम रिजल्ट दें, हम जब उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उनको मीन सिंप्लीफाई करें तो वो आपको सेम रिजल्ट दें, तो वो इक्विवेलेंट रेशोज होंगे. एग्जाम्पल है इसके लिए आर 20:30 एंड 24:36. इक्विवेलेंट रेशोज क्या ये दोनों रेशोज इक्विवेलेंट हैं? एक्सप्रेस सॉल्यूशन, एक्सप्रेस बोथ रेशोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में जब उनको हम एक्सप्रेस करेंगे तो डिवाइडिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, उसके लिए हमें उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इट मींस एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को हमें डिवाइड करना होगा. 20 डिवाइड बाय 30 करेंगे, फैक्टर 5 वी गेट, तो हमें फैक्टर 5 मिलेगा. 5 4s are 20, 5 6s are 30. ठीक है, और 20 और 30 को जब करेंगे 4 6, ओके 5 4s are 20 एंड 5 6s are 30. 5 से किया है तो 4:6 रेशो क्या आई? 4:6 हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई है. डिवाइडिंग द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ 24:36, इसमें हम 6 लेंगे, 6 4s are 24 एंड 6 6s are 36. 24 की 30 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 4:36. अब देखिए दोनों की रेशियोज हमारे पास डिवाइड करने के बाद, दोनों रेशियोज को हमने डिवाइड किया हमारे पास, फिर भी वो अनचेंज रही. ठीक है, इट मींस ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं. 20:30 एंड 24:36 आर इक्विवेलेंट रेशियोज. एग्जाम्पल 11 आपने खुद सॉल्व करनी है कि ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं या नहीं. यहाँ पे देखिए ये इक्विवेलेंट रेशियोज नहीं है. कैसे? 56:63 एंड 81:90. 56:63 के लिए हमने 7 लिया, 7 8s are 56 एंड 7 9s are 63. यहाँ पे 9 लेंगे, 9 9s are 81, 9 10s are 90. अब 8:9 एंड 9:10 इज नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, सो ये एक्विवेलेंट रेशियोज नहीं है. Now we are going to start exercise 6A of unit 6, ratio and proportion. हमने इसकी explanation ratio के बारे में पढ़ी है. ratio की definition आपने लिखनी है और याद करनी है. इसके अलावा equivalent ratio की definition भी आपने लिखनी और याद करनी है. इसके अलावा ratio को compare करने के हमने categories पर, हम उनको compare कैसे करेंगे, equivalent ratios कौन सी होती हैं, हम उनको simplest form में कैसे express कर सकते हैं. अब क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 1 इज फाइंड द रेशियो ऑफ, अब हमारे पास कुछ टर्म्स होंगी उनकी हमने रेशियो फाइंड करनी है, 13 एंड 39. इनको हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी. देखें, अब हमने आपने एक बात का इसमें ख्याल रखना है कि जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर दोनों तरफ लेना है, ओके, इसके लिए भी और इसके लिए भी. 13 एंड 39, 13 डिवाइडेड बाई 13, 39 डिवाइडेड बाई 13. 13 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है. 13 1s are 13, 13 1s are 13, 33s are 39. 1 by 1 is equal to 1, 3 by 1 is equal to 3. हमारे पास रेशो क्या बनी? 1:3. पार्ट 2, 42 एंड 63. 42 एंड 63 के लिए हम नंबर लेंगे 7. ठीक है, 7 1s are 7, 7 6s are 42. 7 1s are 1, 7 9s are 63. 7 ने इन दोनों को डिवाइड किया, 6 एंड 9. अब देखें क्या ये मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं? यस. 3 लेंगे, 3 2s are 6, 3 3s are 9. अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, ये मजीद सिंपल नहीं हो सकते, सो 2:3 हमारे पास रेशो आ गई है. पार्ट 3, 48 एंड 64.
48 एंड 64 के लिए हमें कोई एक ही नंबर, ठीक है, ये आपने मस्ट माइंड में रखना है कि नंबर एक ही लेना है, दोनों तरफ इसको डिवाइड करना है. 48 डिवाइडेड बाय 8, 64 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है. 86, अब 48 और भी बहुत से नंबर से डिवाइड हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि 64 भी उससे डिवाइड हो. आपने ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे. 86 आर 48, 88 आर 64. अब हमारे पास इसकी रेशो क्या बनती है, 6 एंड 8. बट ये नंबर्स अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं, हम इनको मजीद डिवाइड करेंगे. 2, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 3 रेशो 4, 3 इज टू 4. अब ये मजीद सिंपलेस्ट नहीं हो सकते, सो द आंसर इज 3 इज टू 4. पार्ट 4, 6 डॉट, ये मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, एंड 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2. 2 12s are 24, 2 4s are 8, 12 and 4, 12 divided by 2, 2 6s are 12. अब हम इन दोनों को मज़ीद जब सिंपल करेंगे तो 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा. 2 6s are 12, 2 2s are 4. मज़ीद 6 and 2 ये अब भी ये डिवाइड हो सकते हैं 2 के टेबल से. 2 3s are 6, 2 1s are 2. अब हमारे पास 3 by 3, 3 by 1 is equal to 3 and 1 by 1 is equal to 1. 3 ratio 1 is most simplest form of 24 and 8. Answer is 3 is to 1. Next, you have number 5, 36 kg and 80 kg. 36 and 80. 4 is such a number that you can divide both. 4 9s are 36 and 4 2s are 8 at 0 as it is चला जाएगा. इट मीन्स 4 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, ठीक है. अब 9 is to 20. अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 9 और 20 को एट अ टाइम एक साथ डिवाइड कर सके. सो 9 is to 20 is the most simplest form of 36 and 80 kg and answer. Next part 6, 27, rupees 27 and rupees 63. अब 3 के टेबल से ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं. 3 9s are 27 and 3 2s are 6 and 3 1s are 3. 21 times आप 3 को मल्टीप्लाई करें तो 63 आता है. अब 9 and 21 ये मजीद हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकते हैं. 9 ये दोबारा 3 के टेबल से होंगे. 3 3s are 9 and 3 7s are 21. 3 is to 7 is the most simplest ratio of 27 and 63. Next 4 grass and 3. 4 ratio 3. 4 and 3 ये किसी भी टेबल से ये दोनों अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, सो इसकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, 4 is to 3. नेक्स्ट 60 सेंटीमीटर्स एंड 3 मीटर्स. 60 एंड 3. 3 तो 3 के टेबल से हो सकता है, सो यहाँ पर 3 का यूज करें. 3 2s are 6 and 2 as it is चला जाएगा. 3 को 20 से क्या 60 एंड 3 1s are 3. पार्ट 9 आपके पास, पार्ट 8 में 20 is to 1 आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गई है 60 और 3 की, क्योंकि हम इस साइड पे 1 है तो 1 से तो इसका मतलब हम मजीद इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते. तो जब 20 मजीद सिंपलीफाई हो सकता है, बट हमें ये भी चेक करना है कि सेकंड साइड पे जो नंबर है वो भी मजीद सिंपलीफाइड होता है कि नहीं, वो भी एक ही नंबर से. पार्ट 9, रुपीज 2 एंड रुपीज 80. 2 बाई 2 एंड 80 बाई 2. 2 बाई 2 क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 एंड 2 4 आर 8, 0 एज इट इज. 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें 80. अब क्या रेशियो है, 1 बाई 1 1 एंड 40 बाई 1 इक्वल टू 40. 1 इज टू 40 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 एंड 80. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 10, 0.5 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स. देखिए हमारे पास पहले भी एक ऐसा पार्ट आया था जिसमें हमारे पास पॉइंट आया था 6.4, पार्ट 4 में था, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था. अब इस पॉइंट को आप मल्टीप्लिकेशन के सेंस में भी ले सकते हैं, बट इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है. आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी. लेकिन अगर यहाँ पे हम 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा और ये सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा. आप पार्ट 4 को भी इस मेथड से करके चेक कीजिएगा. 6.4 को आप कैसे चेंज करेंगे, देखें. जैसे 0.5 आप इसको, इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं. जब आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 और जितने आगे डिजिट्स होंगे उतने आपके साथ 0 आ जाते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे आ जाएगा 175 सेंटीमीटर. ओके 50, यहाँ पे 10 है, सॉरी 100 नहीं है. ओके यहाँ पे हमने इसको
आप इसको चेंज कैसे करते हैं, इस पॉइंट को आपने ख़त्म करना होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ख़त्म करेंगे और पॉइंट की जगह वन डिनोमिनेटर में, पॉइंट की जगह वन लगाएंगे और उसके बाद फाइव की जगह ज़ीरो, वो टेन हो जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई टेन करेंगे 50 हो जाएगा। अब 50 और 75 की रेशियो हमने फाइंड करनी है। अगर आप वहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, 6.4 था वहाँ पे, पॉइंट की जगह वन आ जाएगा और ज़ीरो, सिक्स। फिर आप 64 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 64 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर और सेकंड जो आपके पास नंबर था उनकी रेशियोज भी आप फाइंड करके आप उसको इस मेथड से भी चेक कीजिएगा। ओके, आपके पास आंसर डिफरेंट आएगा। 50 and 75, 5 10s are 50, ठीक है, and 5 15s are 75, 5 1s are 5 and 2, जब कह जाएगा 5 5s are 25। अब 10 and 15 ये मजीद सिंप्लीफाई होते हैं, 5 2s are 10 and 5 3s are 15। अब 2 is to 3 is the most simplest form of 50 and 75। Once again मैं आपको ये याद करवा दूँ, आपने पार्ट 4 को भी इस मेथड से दोबारा करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन 1 आपने नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन 2, एन ऑले कॉन्टेन 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक, फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द ऑले। सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ कॉपर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन था, अमाउंट ऑफ कॉपर कितनी थी 13.5 एंड अमाउंट ऑफ जिंक कितनी थी 4.5। कॉपर, अब हम कॉपर एंड जिंक दोनों की हम इनकी देखें, इनको पॉइंट्स में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने चेंज किया, एक बार इसको गौर से देख लें। 13.5 को हम कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट को यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, पॉइंट ख़त्म हो गया, पॉइंट की जगह वन, और उस पॉइंट से आगे हमारे पास जितने भी डिजिट्स होंगे उतने जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 ही है जस्ट, सो यहाँ पे 10 आएगा। अब ये नंबर बन गया, पॉइंट तो खत्म हो गया, 135 डिवाइडेड बाय 10। 135 डिवाइडेड बाय 10, इसको अगर सिंपलीफाई करें तो 5 2s are 10, 5 2s are 10 और यहाँ पे 35 एंड 5 7s are 25, 5 के टेबल से 5 2s are 10, 5 2s are 10 और यहाँ पे 3 जाएगा 35, 5 7s are 35। इसी तरह 4.5 जिंक की जो हमारे पास अमाउंट थी उसको भी हम चेंज करेंगे, पॉइंट आप ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 एंड 5, नेक्स्ट हमारे पास जितने भी डिजिट होंगे उतने 0। 45 डिवाइडेड बाय 10, अब इसको भी 5 के टेबल से हमें सिंप्लीफाई करना होगा, 5 2s are 10 एंड 5 9s are 45। हमारे पास इसकी रेशियो क्या आई, 9 डिवाइडेड बाय 2, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, यहाँ पे एंड भी यूज होगा, ठीक है, कॉपर एंड जिंक दोनों के रेशियो लिख लेंगे। कॉपर की क्या थी रेशियो, 27 डिवाइडेड बाय 2, और जिंक की रेशियो क्या थी, 9 डिवाइडेड बाय 2, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 27 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 9 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 को 2 से, तो 27 को 2 से करेंगे 54, 9 को 2 से करेंगे तो 18। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, 2 के टेबल से फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 1 यहाँ पे कह जाएगा, 2 7s are 14। अब 27 डिवाइड बाय 9, अब ये मजीद सिंप्लीफाई होंगे, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 9 by 3। अब भी ये मजीद सिंप्लीफाई, जब तक ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं हम करेंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 is to 1 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 13.5 एंड 4.5। ये नंबर पॉइंट में गिवन थे, हमने इनको कैसे चेंज किया, पॉइंट खत्म करके, पॉइंट की जगह 1 और नेक्स्ट जितने भी डिजिट है उतने 0। अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं हमने इनको इसी मेथड से किया है, सो आपको क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 4 है, छोटा सा पार्ट है, आपने उसको भी इस मेथड से करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाहिदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक्स। वाहिदा ने 8 टेक्स्ट बुक्स खरीदी, टेक्स्ट बुक जो आपकी स्कूल बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, ईच कॉस्टिंग, टेक्स्ट बुक्स आप स्कूल में पढ़ते हैं आपके सिलेबस में होती हैं, ईच कॉस्टिंग Rs. 12, और हर एक बुक की जो प्राइस थी वो 12 रुपीज़ एंड 4 स्टोरी बुक्स, और 4 उसने स्टोरी बुक्स खरीदी, ईच कॉस्टिंग Rs. 9, हर एक की प्राइस कितनी थी 9। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स
हमने रेशो फाइंड करनी है अमाउंट, उस अमाउंट की जो उसने स्पेंड की दोनों टाइप्स की बुक लेने में, ठीक है। उसने दो टाइप्स की बुक ली, एक टाइप जो की जो उसने ली उसकी 12 प्राइस थी और दूसरी की जो ली वो 9 उसकी प्राइस थी एक बुक की। तो हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, उसकी रेशो फाइंड करनी है अमाउंट की जो उसने खर्च की है। नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक इक्वल टू 8, कॉस्ट ऑफ वन टेक्स्ट बुक इक्वल टू 12। तो कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स की कितनी होगी, अगर एक बुक की 12 है तो 8 बुक्स की फाइंड करने के लिए दूसरी की भी 12 होगी, तीसरी की भी 12 होगी, तो हम 8 बुक्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। सेम एज नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स कितनी है, 4, टोटल 4 बुक्स थी स्टोरी बुक्स। कॉस्ट ऑफ वन स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक की कितनी प्राइस थी 9। अब एक की अगर 9 प्राइस थी तो सेकंड की भी 9 होगी, थर्ड की भी 9 होगी, तो हम 4 बुक की फाइंड करना चाहते हैं तो 9 को हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 36। नाउ रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक एंड स्टोरी बुक। अब जो टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक की जो कॉस्ट हैं उनकी हम रेशियो फाइंड करेंगे, 96 और 36 थी, 6 के टेबल से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 6 वन्स आर 6 एंड 3 जब इस 6 के साथ जाएंगे तो 36 एंड 6 आर 36, 6 वन्स आर 6 एंड 6 आर 36। अब हमारे पास जो नंबर आए हैं 16 एंड 6, ये मजीद सिंप्लीफाई होंगे, 2 एट्स आर 16 एंड 2 थ्रीज आर 6, ठीक है। अब 8 इज टू 3, अब 8 इज टू 3 किसी कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को एट अ टाइम डिवाइड कर सके, सो 8 इज टू 3 इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 96 एंड 36 एंड 8 इज टू 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 1, 2, 3 आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।